राजा जनक, विदेहराज, जिनको सीता जैसी पुत्री, जगत जननी भगवती सीता जैसी पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनके जामाता हुए स्वयं भगवान श्री रामचंद्र, उनके चरित्र का वर्णन, उनके चरित्र का श्रवण हम पिछले 2-3 दिनों से कर रहे हैं। कल आपके सामने इस तथ्य को रखने का प्रयास किया कि जो ब्रह्म सुख है वो परम सुख नहीं है, क्योंकि राजा जनक ने उस ब्रह्म सुख का भी परित्याग कर दिया। कब? जब उनको भगवान के सगुण साकार दर्शन हुए श्री राम और लक्ष्मण जी के युगल रूप में। बरबस ब्रह्म सुख का परित्याग हो गया किनसे? उन महाज्ञानी ब्रह्मज्ञानी राजऋषि राजा जनक से हो गया, किया नहीं, हो गया। ब्रह्म सुख का क्यों परित्याग हो गया? क्योंकि उससे भी परे का सुख उनको प्राप्त हुआ। कौन सा सुख? एक सगुण साकार रूप में भगवान उपस्थित हुए हैं, उनके नेत्रों के विषय हो गए, जिनको कि वेद नेति नेति कहकर गाते हैं। वेद भी अपने शब्दों से, अपनी वाणी से जिसका निरूपण कर नहीं पाते, प्रयास तो करते हैं परंतु निरूपण नहीं कर पाते। उस नेति नेति कहकर वेदों द्वारा निरूपित परब्रह्म परमात्मा साकार रूप में राजा जनक के आंखों के विषय हुए जान पड़ते हैं, और जब वो नेत्रों के विषय होते हैं तो परम भागवत ब्रह्मज्ञानी परम भक्त राजा जनक उस ब्रह्म सुख का त्याग हो जाता है उनसे। राजा जनक का चरित्र एक केवल ब्रह्मज्ञानी का चरित्र नहीं है, एक केवल परम भक्त का चरित्र नहीं है, साथ ही साथ उनका चरित्र एक ऐसे गृहस्थ का चरित्र है जो अपने गृहस्थ आश्रम का पूर्ण रूप से पालन करता हुआ पूर्ण भक्ति और पूर्ण ज्ञान का भी रसास्वादन कर रहा है। ज्ञान में भी रस है, ऐसी बात नहीं, ज्ञान का रस है, और ज्ञान से हमें क्या प्राप्त होता है? निर्वाण, निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति से दुखों से सदा सर्वदा के लिए छुटकारा मिल सकता है ज्ञान से, परंतु निर्वाण प्राप्ति ही केवल सनातन धर्म का ध्येय नहीं है। और पंथों की और मतों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन सनातन धर्म में निर्वाण, केवल और केवल दुखों से छूट जाना, ये मानव जीवन का ध्येय नहीं है। दुखों से छूट जाए ये कोई छोटी बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। निर्वाण, वान कहते हैं दुख को, निर्वाण जहां पर किसी भी प्रकार का दुख ना हो, उस स्थिति को निर्वाण कहा जाता है। उस स्थिति को जब कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, कोई महापुरुष प्राप्त कर लेता है, तो कहते हैं उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव जीवन की ये भी, परंतु ये परम उपलब्धि नहीं है। परम उपलब्धि क्या है? भागवत धर्म की, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जिस धर्म का निरूपण करते हैं, जिस धर्म को हमें समझाते हैं, जिस धर्म पे हमें चलने की शिक्षा प्रेरणा देते हैं, वो धर्म हमें केवल निर्वाण नहीं, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करने का संकेत करता है। अब निर्वाण और ब्रह्म निर्वाण में क्या अंतर है? निर्वाण में तो केवल सभी दुखों का अंत होता है, और ब्रह्म निर्वाण में परमानंद की प्राप्ति भी होती है। और जब तक परमानंद की प्राप्ति हुई नहीं, तब तक
हम ये नहीं कह सकते कि हमने मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म सुख है अपने स्वरूप को जानने से, अपने स्वरूप को समझने से, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है, और वो सुख भी निर्वाण जैसे ही कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ज्ञान की कठोरतम साधना, ज्ञान की कठोरतम साधना, बुद्धि का ऐसा परिमार्जन, पूर्ण रूपेण परिमार्जन, मन का, इंद्रियों का अपने अंडर फुल कंट्रोल, पूरा वशीकरण, मन की समता, बुद्धि की, बुद्धि का समत्व, बुद्धि की समता, फिर उसमें उस दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो, तत्पश्चात ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन वो ब्रह्म सुख भी छूट जाता है अपने आप। तुलसीदास जी ने यही लिखा, बरबस ब्रह्म सुख हृदय त्यागा। तो ब्रह्म सुख की जो प्राप्ति है अपने आप में छोटी बात नहीं, परंतु जब उससे भी बड़ा लाभ होगा तो ब्रह्म सुख भी स्वतः छूट जाएगा। उससे भी बड़ा लाभ क्या है? उससे भी बड़ा लाभ एक ब्रह्म ज्ञानी के लिए ये है कि उसे सगुण साकार रूप में प्रभु से किसी प्रकार का संबंध स्थापित हो, प्रेम का संबंध स्थापित हो, पुत्र भाव से, सखा भाव से, प्रिया प्रियतम भाव से, स्वामी भाव से, अन्य किसी भाव से प्रेम का संबंध स्थापित हो। उस संबंध में, उस प्रेम में, उस दिव्य प्रेम में, उस भगवत प्रेम में जो सुख है, जो आनंद है, वो ब्रह्म सुख से भी ऊपर है। तुलसीदास जी ने ये हमें कल संकेत किया। अब आगे की कथा का श्रवण करेंगे। स्वयंवर होता है, और जब सब राजा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ान हो तो क्या उसको हिला भी नहीं पाते, तो जनक जी के मन में क्षोभ होता है, दुख होता है उनको कि मैंने ऐसा प्रण क्यों कर लिया जिसके चलते मेरी पुत्री कुमारी रह जाएगी, ऐसा उनके मन में अब संदेह उत्पन्न होने लगा है। तो वहां पर महाराज जनक राजाओं से भरी हुई सभा में स्वयंवर के आयोजन में क्या कहते हैं, अब जनिको माथे भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखाना विधि वै देही विवाहू, सुकृत जाई जो पनु परिहरहूं, कुंवरी कुआरी रहू का करहूं। असमंजस में है, कहते हैं आप सब अपने घरों को जाइए, अब तो मैंने जान लिया कि इस पृथ्वी पर कोई शूरवीर बचा ही नहीं, अब मेरी बात का कोई बुरा ना माने, जब मैं ये कहूं कि कोई शूरवीर, कोई योद्धा, कोई पराक्रमी राजा इस धरती पर अब नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर अपना प्रण त्याग कर पुत्री का विवाह कर देता हूं तो यश जाता है, और अगर प्रण को रखे रखता हूं, पकड़े रखता हूं, प्रण का त्याग नहीं करता तो पुत्री कुंवारी रह जाती है। असमंजस की स्थिति, क्या करें, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। ये सब सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। क्रोध क्यों आ जाता है लक्ष्मण जी को? उनको लगता है कि भगवान श्री राम, उनके अग्रज बड़े भाई श्री राम के उपस्थिति में ऐसे शब्द कह दिए जनक जी ने, ये सर्वथा अनुचित है। क्या कह दिया जनक जी ने ऐसा, कि पृथ्वी पर कोई पराक्रमी, कोई शूरवीर अभी उपस्थित है नहीं। किसकी उपस्थिति में कह दिया? भगवान राम की। लक्ष्मण जी की जो भक्ति है
वो विग्रह की भक्ति है। लक्ष्मण जी के लिए जो श्री राम हैं वो उनके बड़े भाई तो हैं ही, उनके सर्वस्व हैं, परंतु वो एक विग्रह जो उनको भगवान श्री राम दिखाई देते हैं उन्हीं में उनकी पूरी आस्था है। लक्ष्मण जी भगवान को विराट रूप में नहीं देखते, सिया राम में सब जग जानी वाली भावना उसमें नहीं है। उनके बड़े भाई राम हैं और वो राम सर्वस्व हैं, और उनकी ऐसी एक निष्ठ बुद्धि से, एक निष्ठ श्रद्धा से वो उनकी सेवा करते हैं। अब उनकी उपस्थिति में ये बात कह दी तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि जनक जी बड़े हैं, जनक जी ब्रह्मज्ञानी हैं, ये नहीं सोचा कि जनक जी राजऋषि हैं, या ये नहीं सोचा कि जनक जी के हम पधारे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। एकदम से उनका दिमाग तमतमाया और कह दिया उन्होंने डांट कर, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघु कुल मनी जानी। उन्होंने कहा हे जनक, तुमने ऐसी अनुचित वाणी कैसे कह दी, ये जानते हुए कि रघुकुल मणि भगवान श्री राम यहां पर उपस्थित हैं। छोटे बड़े की बात का लिहाज उन्होंने नहीं किया, ये नहीं सोचा कि वो कौन है, बड़े हैं छोटे हैं, कुछ नहीं सोचा। उनकी जहां पर निष्ठा है, उस जहां पर श्रद्धा है, वहां पर थोड़ी ठेस लगी उनको, और वो क्रोध से आग बबूला होना जिसे कहते हैं वो हो गई। यही स्थिति देखी जाती है आजकल बहुत से ऐसे साधकों की, बहुत से ऐसे शिष्यों की, जो केवल गुरु को केवल एक मनुष्य मात्र मानते हैं, मानते हैं कि गुरु ब्रह्मज्ञानी हैं, गुरु परम पुरुष हैं, लेकिन गुरु के प्रति ऐसी उनकी श्रद्धा होती है, होनी भी चाहिए, परंतु साथ ही साथ क्या होता है, सियार राम में जग जाने वाली बात नहीं होती उनमें, सियार राम सब में सब जग जाने वाली बात नहीं होती, केवल गुरु के प्रति, केवल अपने इष्ट देव के प्रति उनकी आस्था होती है। और जब कभी उनको लगता है जनक जी ने ये जो वचन कहे श्री राम जी के अवज्ञा के कारण, उनको बेइज्जत करने के कारण, उनकी आलोचना के लिए तो नहीं कहे जनक जी ने जो कहा, लेकिन लक्ष्मण जी को बुरा लग गया, क्रोध आ गया, और क्रोध में उन्होंने कुछ कह दिया। इसी प्रकार आजकल भी होता है, कैसे किसी ने कोई वचन कह दिए, किसी को लगे ये तो मेरे इष्ट देव के प्रति तिरस्कार हो गया, हमारे गुरु का तिरस्कार हो गया, परंतु हो सकता कहने वाले की वैसी भावना ना हो, जनक जी की जैसे यहाँ पे भावना नहीं थी, लेकिन क्रोध में तमतमाए हुए शिष्य, क्रोध में तमतमाए हुए भक्त क्या करते हैं, जिनकी विग्रह में निष्ठा है उनकी बात कर रहा हूं, वो फिर क्रोध में आकर कुछ अनुचित वचन कह देंगे हरिओम, या कुछ अनुचित कार्य कर बैठेंगे। इसलिए जो विग्रह की भक्ति है, विग्रह की जो निष्ठा है, एक स्वरूप विशेष की जो निष्ठा है, बहुत सुंदर है, अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ ये अवगुण आने की संभावना रहती है, क्रोध रूपी अवगुण, तिरस्कार रूपी अवगुण, दूसरों का तिरस्कार करने का अवगुण आ जाता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति परम श्रद्धा हो, इससे बड़ी और कोई बात नहीं, परंतु दूसरों का किसी प्रकार से तिरस्कार ना करें, दूसरों के प्रति किसी प्रकार का अपराध ना कर बैठें, और जो संत महापुरुष हैं और जो देवी देवता हैं अपने इष्ट देव से इतर, उनके प्रति किसी प्रकार का कोई अपराध ना कर बैठें, इस बात का हमें सदा सदैव ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो फिर क्रोध में उचित अनुचित का तो ध्यान रहता नहीं, और अपशब्द कहे जाएंगे या कोई
गलत कार्य कर बैठेंगे, वो अपनी ही भक्ति के लिए हमारे ठीक नहीं होगा। भक्ति मार्ग में ये बाधाएं आने की संभावना रहती है। जब हमारी किसी एक ग्रह विशेष, एक महापुरुष विशेष में ही निष्ठा होती है, इससे बचें, थोड़ा विचार करें इस पे। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी पूर्ण भक्त है, पूर्ण ज्ञानी पुरुष है, उसको ये बातें बुरी नहीं लगती। लक्ष्मण जी ने तो डांट के कह दिया, क्या कि रे जनक, तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी ऐसी बातें करने की, जबकि भगवान श्री राम यहाँ पर स्वयं विराजमान है। अब जनक जी ने ये नहीं कहा कि हे लक्ष्मण, तू ऐसा क्यों बोल रहा है, तेरी इतनी हिम्मत नहीं। उनके मन में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं हुआ। क्यों? एक जो ब्रह्म ज्ञानी है, पूर्ण प्रज्ञ पुरुष है, वो दूसरे की मनस्थिति को समझता है। राजा जनक समझ रहे हैं कि लक्ष्मण किस दृष्टि से ऐसे वचन कह रहे हैं, किस भाव से ये वचन कह रहे हैं, उनमें क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ, ये भी राजा जनक जानते हैं। इसलिए उनके ऐसे वचनों को सुनकर, जिनको कि कटु वचन कहा जा सकता है, राजा जनक के मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, आप भी कर लो प्रयास, भगवान श्री राम भी प्रयास कर लें धनुष उठाने का, मैंने कौन सा मना किया है। तो बिल्कुल बुरा नहीं माना राजा जनक ने लक्ष्मण जी ने जो कहा, ना ही उसका खंडन किया, ना ही कोई प्रतिवाद किया, उल्टा जवाब कोई दिया नहीं उनकी बात का। तो फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि जाइए भगवान, अब समय आ गया है धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएं। धनुष टूटा और श्री सीता जी और भगवान श्री राम का विवाह हुआ, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष, एक पूर्ण भक्त, कभी भी कटु वचन सुनकर मन में अस्थिरता आने नहीं देता। आगे का प्रसंग है, जब परशुराम जी आ जाते हैं वहां पर, वो भी जनक जी को बहुत से बुरे बुरे वचन कहते हैं। जनक जी तब भी बुरा नहीं मानते। जनक जी परशुराम जी को एक परम ज्ञानी संत, एक परम भक्त और एक परम तपस्वी के रूप में पहचानते हुए उनका मधुर वचनों से आदर सत्कार ही करते हैं। हालांकि परशुराम जी बात बात पर बिगड़ रहे हैं, बात बात पर कटु शब्द कह रहे हैं, परंतु जनक जी केवल हाथ जोड़े खड़े हैं और परशुराम जी को जिस प्रकार से भी वो सत्कार दे सकें, जिस प्रकार से भी उनको आश्वासन दे सकें, जिस प्रकार से भी उनको सांत्वना दे सकें, वैसे ही वचन बार बार कह रहे हैं। और उनके मन में किसी प्रकार की चिंता भी नहीं है। परशुराम जी कहते हैं, जहां तक तेरा राज्य है, मैं वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा, अगर तू मुझे ये नहीं बताएगा कि धनुष किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा, जब अगर नहीं बताएगा तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी में उलट दूंगा। राजा जनक जी को कोई टेंशन नहीं हुई ये सुन के कि मेरा राज्य चौपट हो जाएगा। क्यों नहीं हुई? जो परम भक्त है, परम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, उसके लिए इस जगत का कोई भी हानि लाभ मन को व्यथित नहीं कर सकता। गीतानाथ के शब्दों में भगवत गीता के छठे अध्याय का 22वां श्लोक, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनामपि विचाल्यते। जनक जी के मन की ये स्थिति है। क्या स्थिति है? जिस लाभ के आगे और कोई भी लाभ टिकता नहीं है। एक लाभ इतना बड़ा है कि उसके आगे और कोई भी लाभ लाभ लगता ही नहीं, उससे बड़ा लाभ नहीं लगता। वो क्या लाभ है? भगवत प्रेम की प्राप्ति का। भगवत प्राप्ति का जो लाभ है, उसके आगे बाकी सारे लाभ तुच्छ लगते हैं जब व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति की, उस महापुरुष की, उस परम भागवत की मनस्थिति क्या होती है कि बड़े से बड़ा दुख आने पर भी उसका मन विचलित नहीं होता। गीता के छठे अध्याय के 22वें श्लोक का ये अर्थ है। और ये स्थिति हम राजा जनक के मन की देखते हैं।
परशुराम जी कह रहे हैं तेरा पूरा राज्य उलट कर दूंगा, ध्वस्त कर दूंगा, परंतु राजा जनक जी फिर भी हाथ जोड़ के खड़े हैं शांत मन से। एक परम भागवत की, एक परम भक्त की, एक ब्रह्मज्ञानी की क्या मनस्थिति है जनक जी के चरित्र से हमें देखने को मिल रही है। फिर आगे चित्रकूट में राजा जनक का जाना होता है। चित्रकूट जाते हैं, वहां पर तुलसीदास जी ने कुछ शब्द कहे राजा जनक के चरित्र के बारे में, वो आपके सामने रखूंगा। गिरिवर दीख जनक पति जब ही, करि प्रणाम रथ त्यागे तब ही, राम दरस लाल साऊ छाहू, पथ श्रम लेस कलेस न काहू, मन तह जह रघु बर वैदेही, बिन मन तन दुख सुख सुधि के ही, आवत जनक चले एही भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। चित्रकूट के पास पहुंच रहे हैं राजा जनक, और जैसे ही चित्रकूट के दर्शन होते हैं, उनको चित्रकूट पर्वत के दर्शन होते हैं, तभी क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं उस पर्वत को जहां पर भगवान श्री राम विराजमान हैं लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के साथ, और अपने रथ का त्याग करके पैदल चलना आरंभ कर देते हैं। मन में राम जी के दर्शन की लालसा है, उत्साह है कि भगवान राम के, अपने जमाता श्री राम के दर्शन होंगे, और किसी भी प्रकार के क्लेश को, किसी भी प्रकार की थकावट को वो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? तुलसीदास ने बहुत सुंदर चित्रण किया है इसका यहाँ पर। मन वहां है जहां पर रघुबर वैदेही हैं, मन जहां है वहां पर शरीर नहीं है, मन कहां है जहां रघुवीर और वैदेही हैं। और जब मन शरीर के साथ नहीं है तो शरीर की थकावट, शरीर का कष्ट कैसे महसूस होगा, कैसे अनुभव होगा? मन की महिमा बताई यहां पे। जो भी हमें दुख, जो भी कष्ट, जो भी संताप हमें महसूस होते हैं, अनुभव होते हैं, वो मन के नाते होते हैं। और जब मन को हम जोड़ देते हैं श्री सीताराम जी के चरणों में, अपने इष्ट देव के चरणों में, तो शरीर और शरीर के संबंधित जितने भी क्लेश हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, सब प्रकार के क्लेश, सब प्रकार के ताप होते हुए भी हमें संताप नहीं देते। ताप तो हैं परंतु संताप नहीं है। देखिए, जब तक शरीर है तब तक शारीरिक कष्ट भी रहेंगे, जब तक जीवत्व है तब तक आध्यात्मिक क्लेश भी रहेंगे, और जब तक इस भौतिक जगत में हैं तब तक आधिदैविक, दैवी प्रकोप भी आते जाते रहेंगे। कभी गर्मी ज्यादा होगी, कभी सर्दी ज्यादा होगी, कभी बारिश ज्यादा होगी, कभी कुछ चलता रहेगा। परंतु ये जितने भी प्रकार के ताप हैं, तीन प्रकार के ताप बताए जाते हैं शास्त्रों में, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, ये ताप तो रहेंगे ही, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन इन तापों से हम तप्त हो जाएं, संतप्त हो जाएं, ये प्रकृति का नियम नहीं है। हम संतप्त तप होते हैं जब इन तापों से हमारा मन विचलित होता है। और अगर मन हमारा अपने इष्ट देव के चरणों में है, श्री सीता राम के चरणों में है, महादेव के चरणों में है, भगवती के चरणों में है, श्री राधा कृष्ण के चरणों में है, काली माँ के चरणों में है, गणपति के चरणों में है, गायत्री माँ के चरणों में है, तो फिर हमें संताप होगा कैसे? राजा जनक की ये स्थिति है।
मन कहाँ पर है, जहां पर भगवान श्री सीताराम विराजमान हैं। इसलिए शरीर का किसी भी प्रकार का श्रम कष्ट उनको अनुभव में आता ही नहीं। एक भक्त की, परम भक्त की ये स्थिति होनी चाहिए। अगर तो शारीरिक कष्ट और अन्य कष्टों से संतप्त होते रहेंगे तो जब जब संताप आएगा तब तक क्या होगा, तब तक मन इष्ट देव के चरणों से हटकर अपने संताप में संलग्न हो जाएगा, और जब तक संताप में संलग्न रहेगा तब तक इष्ट देव के चरणों से अलग हो जाएगा, और अलग हो गया तो फिर भक्त नहीं, फिर तो विभक्त हो जाएंगे। अलग हो गए अपने इष्ट देव के चरणों से तो ऐसी स्थिति ना आने पावे, यही हम अपने इष्ट देव के चरणों में प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी दुख कष्ट क्लेश संताप आए जाएं, हमारा मन आपके चरणों से कभी विलग ना हो। ऐसी प्रार्थना करें अपने इष्ट देव के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में, तो अवश्य ही हम अपने इष्ट देव के चरणों से अलविलग नहीं होंगे, हमारा मन सदैव वहां अनुरक्त रहेगा। मन तह जहां रघुवीर रघुबर वैदेही, बिन मन तन दुख सुख सुधिके ही। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की, तुलसी न समरथ को जो तरी सके सरित स्नेह की। राजा जनक का जो प्रेम रूपी सरिता है, प्रेम रूपी जो नदी है, उसको कोई पार नहीं पा सकता। एक ब्रह्मज्ञानी प्रेम से रहित होता है, ऐसी धारणा हमारे मन में कई बार बन जाती है। क्या कि ये तो ब्रह्मज्ञानी है, ये ब्रह्म की बातें करते हैं, इनको भक्ति का क्या पता, इनको प्रेमा भक्ति का पता हो नहीं सकता। लेकिन राजा जनक के चरित्र में हम पूर्ण ज्ञान देखते हैं, ब्रह्म ज्ञान भी देखते हैं और पूर्ण भक्ति भी देखते हैं। ऐसा स्नेह है भगवान श्री राम के चरणों में कि तुलसीदास जी कहते हैं कि किसकी इतनी मजाल, किसकी इतनी हिम्मत, किसका इतना सामर्थ्य कि उस प्रेम रूपी नदी को जो पार पा सके, उसकी तर्कना कर सके, कोई कर नहीं सकता। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। जनक जी के ज्ञान और जनक जी के प्रेम का आगे भी निरूपण किया तुलसीदास जी ने, जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि के मोह ममता नियराई, ये सिय राम स्नेह बड़ाई। क्या कहते हैं? जिसके ज्ञान रूपी सूर्य से भव सागर रूपी निशा का, भव सागर रूपी रात्रि का नाश हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? राजा जनक की। राजा जनक के पास ज्ञान रूपी ऐसा सूर्य है जिससे कि संसार सागर रूपी रात्रि का नाश हो जाता है, और जिनके वचन रूपी किरणों से संतों का, महात्माओं का, ऋषियों का, तत्वद्रष्टाओं का कमल रूपी मन विकास को प्राप्त हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। सरल शब्दों में राजा जनक के वचन सुनकर बड़े बड़े महातपस्वी महाज्ञानी भी प्रसन्नचित हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान राजा जनक के पास है। राजा जनक का ज्ञान भवसागर का नाश करने वाला है, भवसागर को सुखाने वाला है। राजा जनक के वचन मुनियों, ऋषियों, साधकों, तपस्वियों, परम सिद्धों, तत्वद्रष्टाओं के मन को भी प्रफुल्लित करने वाले हैं। उनकी क्या दशा हो रही है? तेहि के मोह ममता नियराई। राजा जनक की दशा देखकर चित्रकूट में
सब किसी को संदेह हो सकता था कि ये तो मोह के वशीभूत हो रहे हैं। किसके मोह के वशीभूत हो रहे हैं? अपने पुत्री और दामाद के प्रेम के मोह के वशीभूत हो रहे हैं, उनके दुख से दुखी हो रहे हैं। तो ये तो क्या, ये तो एक सामान्य संसारिक पिता की, एक सामान्य संसारिक ससुर के मन की स्थिति है। पिता पुत्री के दुख को देखकर दुखी होगा, ऐसा देखने में आता है संसार में, भौतिक जगत में। तो अगर जनक जी भी पुत्री के दुख में दुखी हो रहे हैं तो वो भी मोह ममता में फंसे हुए हैं, अपनी पुत्री की मोह ममता में, ऐसा देखने में किसी को लग सकता है। लेकिन ऐसी बात है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि राजा जनक तो परम ज्ञानी है, तो फिर उनकी ऐसी स्थिति क्यों हुई? ये सिया राम स्नेह बढ़ाई, ये तो केवल सीता माता और भगवान श्री राम जी के स्नेह का बड़प्पन है। यहां पर मैं थोड़ा सा इस बात का विवेचन रखूंगा आपके समक्ष। कई बार शिष्यगण भी कहते हैं हम ऐसा करते हैं क्योंकि गुरुजी ने भी ऐसा किया, गुरुजी भी ऐसे करते हैं, गुरुजी भी ऐसे किया करते थे। या कई बार भक्तजन कह देते हैं कि हाँ भगवान राम ने भी ऐसा किया था, भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा किया था, महादेव जी ने भी ऐसा किया था, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं? एक ब्रह्मज्ञानी पुरुष, एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु और भगवत अवतार क्या करते हैं? वो हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कभी भी जो वो करते थे उसको करने का प्रयास ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उनका जो करना है हमारे पूरी पकड़ में आ नहीं सकता। जैसे कि यहाँ पर जनक जी को कोई देखकर ये कह दे कि ये तो पुत्री के मोह में दुखी हो रहे हैं, ये तो मोह माया में अभी भी फंसे हुए हैं, वास्तव में बात ऐसी है नहीं। तो ये जो सगुण चरित्र हैं, सरस तो हैं, सरस होने के साथ साथ दुर्गम भी हैं। दुर्गम इस दृष्टि से हैं क्योंकि इनको पूर्ण रूप से समझने के लिए भगवत कृपा चाहिए, अन्यथा हम, मेरे एक दो मित्र भी हैं ऐसे, कह देंगे अच्छा जी भगवान राम मृगया किया करते थे, हिरणों को मारा करते थे, तो वो हिंसा नहीं थी, अगर हम अभी कुछ मार के खा लेते हैं, निरामिष भोजन कर लेते हैं, मांस खा लेते हैं, तो हम पापी हो गए, और भगवान राम मृगया किया करते थे, वो भी हिरण को मारने दौड़े थे, तो उनको कोई पाप नहीं लगा, हमारे पाप पुण्य क्या हमारे लिए रह गया है? वो करें तो लीला, हम करें तो पाप। ऐसे प्रश्न करने आ जाते हैं कई बार कई लोग। परंतु अगर केवल तर्क की दृष्टि से इन सगुण लीलाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे, और उलझते ही जाएंगे। इनको भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है। इसलिए ये सोचना कि एक तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु क्या करते हैं वो हम समझ जाएंगे, हम नहीं समझ सकते। और इसलिए कहें गुरुजी ने भी वैसा किया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं। गुरुजी की जो मनस्थिति थी वो हमारी है नहीं, तो गुरुजी की जो क्रिया दिख रही है उनके लिए तो कुछ और क्रिया, दिखने में हमें कुछ और लग रहा है, उनके लिए कुछ और है। राजा जनक जी अगर यहाँ पर अपने आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं तो वो क्या मोह का या किसी प्रकार की माया के वशीभूत होने का चिन्ह है? देखने वाले को लगेगा, परंतु बात ऐसी है नहीं। इसलिए सगुण चरित्र जो हैं वो सरस हैं परंतु साथ ही साथ दुर्गम भी हैं, अगम हैं, समझने में कठिनाई आ सकती है। निर्गुण को समझने में कोई इतना कठिनाई की बात नहीं है, निर्गुण को समझने में इतनी कठिनाई की बात नहीं है। वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, हाँ किसी प्रकार का उसमें, हाँ अनादि है, अनंत है, किसी प्रकार का उसमें अवयव नहीं है, निरवय है, बस हो गया।
ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं, निर्गुण। सगुण में सब कुछ होते हुए भी जो दिखता है हमें अपनी भौतिक बुद्धि से, सांसारिक बुद्धि से जो हमें दिखता है वो होता नहीं। अब वो दिव्य दृष्टि कहाँ से मिले? वो भगवत भक्ति से ही मिलेगी, और वो भगवत भक्ति हमें सत्संग से ही प्राप्त होगी। इसलिए हम भक्तों के चरित्र का श्रवण करते हैं कि शनै शनै हम उनके चरित्रों को समझ पाएं, एकाएक समझ जाएं, ये संभव है नहीं, धीरे धीरे समझ आएगा। इसलिए निरंतर आप कथा का श्रवण करते रहें नियम के साथ, तो भगवत कृपा से इन चरित्रों को समझने का और भांति भांति के कुतर्कों का नाश होगा, और उससे बुद्धि निर्मल होगी, मन निर्मल होगा, और फिर भगवत भक्ति का प्रकाश स्वतः ही अपने अंतर में उतर आएगा। एक दो बातें और हैं, लेकिन आज समय हो गया है, तो कल आशा है कि राजा जनक जी के चरित्र के संबंध में जो एक दो बातें हैं उनको आपके सामने रखकर, हो सकता है अगले चरित्र पर, जो कि पितामह भीष्म का चरित्र है, महाभारत के जो महानायक हैं पितामह भीष्म, उनका चरित्र हम आरंभ करेंगे, अगर भगवत इच्छा हुई तो कल, नहीं तो परसों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।